एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है इंटरटेनमेंट बीस। एंड ये चैनल मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया है। इंटरटेनमेंट नाम सुन के ही आपको लग गया होगा कि बहुत सारा धमाल होने वाला है इस चैनल पे। जी हाँ, तो हम इस चैनल पे आप लोगों से शेयर करने वाले हैं गेमिंग एक्सपीरियंस, प्लस मैं आप लोगों को नई नई रेसिपी सिखाऊंगी जो कि मैंने खुद सीखी है और फिर मैंने उसको ट्राई करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी। सो आज हम करेले की सब्जी बनाने वाले हैं। करेला गाइस सुनते ही कड़वापन दिमाग में आता है ना, कौन करेला खाता है, करेले का जूस, करेले की सब्जी, ओ माई गॉड। सीरियसली गाइस, जो मेथड मैंने यूटिलाइज मैं करने वाली हूँ अपने इस रेसिपी में, उस रेसिपी उसको आप कॉपी जब करोगे तो आपको करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगने वाला है। जी हाँ, आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो और करेले का जो कड़वापन दिमाग में आप रखते हैं, ये आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कड़वा लगेगा ये रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। करेला जो कि 250 ग्राम है और इसको आपको गोल गोल काटना है इस तरीके से। और ये करेले का जो बीज है वो कच्चा है, इसलिए मैंने इसको साथ में ही काटा हुआ है। अगर कोई करेला आपको पका हुआ नजर आए और उसकी बीज रेड रेड कलर में हो तो आप उसको निकाल सकते हैं बीज से। अब यहाँ पे हमने करेले को कट करके गोल गोल पीस में काट के रख दिया है। इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इसको हाफ एन आवर के लिए आपको ऐसे ही नमक में मिक्स करके रख देना है, ताकि ये जो करेले का कड़वापन है वो निकल जाए। इसके बाद जो हमें मसाले चाहिए, यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं जिसको मैंने चॉप किए हैं, और इसको ज्यादा बारीक नहीं काटना है और ना ही ज्यादा मोटा काटना है आपको, ऐसे इस साइज में आपको काट के रखना है। हरी मिर्च ली है मैंने 3 से 4, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला है इस करेले की सब्जी का वो है सौंफ, सरसों, जीरा, मेथी दाना, और यहाँ पे मैंने 3 से 4 लौंग लिए हैं। आपको करेले की सब्जी सरसों के ऑयल में बनाना है, तो यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा आमचूर पाउडर। तो बस इतने से इंग्रेडिएंट्स में आपके करेले की सब्जी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से अपने मसालों को मिक्सी में पीस लिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं करेला बनाना। यहाँ पे जो मैंने करेले को नमक से मिक्स करके रखा हुआ था हाफ एन आवर के लिए, उसको मैंने पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और अब हम अपने पैन को गरम करेंगे। जो मीडियम फ्लेम पे ही आपको करेलों को पकाना है। पहले हम पैन को अच्छे तरीके से गरम होने देंगे और इसमें सरसों का तेल जो है वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैन अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और यहाँ पे हमें सरसों का तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो
जब ऑयल धीरे धीरे थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है तो आप देखोगे कि जो सरसों का ऑयल का फ्लेवर है वो आना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा सरसों तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है क्योंकि इसमें से स्मेल आना वो बंद हो चुका है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे अपना करेला। ढक देना है ताकि जो करेला है वो अच्छे तरीके से पकना शुरू हो। मैंने अपने गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पर कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो करेले हैं वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा करारे बनाए हैं क्योंकि करेले जब करारे होते हैं तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और प्याज हमने लास्ट में ऐड किया है। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं था, इन्हें बस सॉफ्ट करना है, इस चक्कर में मैंने इसको लास्ट में मिक्स किया है। और विद हरी मिर्च, हरी मिर्च भी मैंने इसमें साथ में डाली हुई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे मसाले। ये जो मसाले मैंने बनाए थे वो मैं ऐड करूंगी इनमें। पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही रखती हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ और जो भी बचेगा उसको मैं आगे फर्दर यूज करूँ। इसमें थोड़ा सा मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड करी है, तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी इसको। हाफ टी स्पून मैं यूज कर रही हूँ हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैं यूज कर रही हूँ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून के आसपास मैं यूज कर रही हूँ आमचूर पाउडर। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि ये जो जितने भी मसाले हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। हमारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और प्याज भी बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है।
तो हमारा करेला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ।